तो फ्रेंड्स, आई एम धर्मेंद्र एंड आप देख रहे हैं चैनल यूर एग्जाम गोली। आप सभी का आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि डियर फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा कि हम हर एक दिन एक नए कैंडिडेट से बात करते हैं जो कि अपना टेट टेस्ट देकर आ गया होता है जी दोस्तों, या फिर सेंटर से लाइव बात करता है जी दोस्तों। आपको बता दें, आज हम बात करने वाले हैं महेंद्र कुमार जी से, जो कि गोरखपुर यूपी से बिलोंग करते हैं। इनका टेट टेस्ट था पंजाब कपूरथला में आज ही के दिन, मतलब कि 9 सितंबर को। और ग्राउंड से ही जो लाइव बोल रहे हैं कि सर मेरे को दोस्तों की हेल्प करनी है, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है आरपीएफ एंसलरी टेट टेस्ट का। तो दोस्तों, देर न करते हुए हम बढ़ते हैं महेंद्र कुमार जी के पास। बट इससे पहले, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो उसको कर दें सब्सक्राइब, एंड वीडियो के बाजू में आपको दिख रहा होगा बेल आइकन, उसको कर दें प्रेस, दबा दें ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और हाँ जी दोस्तों, वीडियो आती है पसंद तो इसको करें अभी लाइक और अधिक से अधिक शेयर कर दें। और दोस्तों, यदि आप भी चाहते हैं कि अपना एक्सपीरियंस आप शेयर करें, दूसरों की हेल्प करें, दोस्तों की मदद करें, तो इसके लिए आपको जाना होगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर मेरा नंबर दिया होगा, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और दूसरों की हेल्प कर सकते हैं, अपने मित्रों की हेल्प कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आगे और करते हैं भाई महेंद्र से बात। तो सबसे पहले महेंद्र जी, अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए दोस्तों के लिए, आप कहाँ से हैं, आपका टेट टेस्ट कब था? जी सर, देखिए मेरा नाम महेंद्र कुमार है, हम गोरखपुर के निवासी हैं। हाँ हाँ, गोरखपुर जिला के। हाँ हाँ सर, मेरा 9 तारीख को टेट टेस्ट था। अच्छा, हाँ। तो एक दिन हम पहले आ गए थे, रिलेशन में थे लुधियाना में। अच्छा, हाँ। लुधियाना से फिर ट्रेन पकड़े रात में 9:40 पे, फिर रात में मिलती है लोकल ट्रेन कपूरथला जंक्शन के। हाँ हाँ, तो वहाँ से पकड़े हैं, फिर हम यहाँ पे आ गए हैं 10 बजे लगभग में। अच्छा, हाँ। फिर यहाँ एक गुरुद्वारा है, 1 किलोमीटर पड़ता है। हाँ हाँ, यहाँ पे सर सभी बच्चों की अच्छी फैसिलिटी है, यहाँ पे सोने के लिए, खाने के लिए, नहाने के लिए। हाँ हाँ, बहुत ही अच्छा है। हाँ हाँ, मैं तो बस यही कहूँगा कि जितने भी बच्चे हैं सब लोग यहाँ पे आए और अच्छे से नहाए धोए, खाना खाए और सोए। हाँ, सुबह में 5:30 बजे वहाँ एंट्री हो रही है, वहाँ से 1 किलोमीटर सेंटर है सर। अच्छा, हाँ। तो वहाँ पे आप जाओगे तो पहले लाइन लगवाएंगे, लाइन लगवाने के बाद एक ही बार में सबको एंट्री करवा लेंगे। अच्छा, वहाँ एडमिट कार्ड नहीं चेक कर रहे हैं। हाँ हाँ, डायरेक्ट ऐसे ही ले रहे हैं। हाँ, डायरेक्ट अंदर ले जा रहे हैं, फिर उसके बाद बैठाएंगे लाइन से। अच्छा महेंद्र जी, आपका आज ही था ना 9 सितंबर को? जी सर, आज ही था। अभी तो मैं यही हूँ, क्या बोलते हैं, गुरुद्वारा में ही हूँ। अच्छा, गुरुद्वारे में है अभी। जी हाँ सर, जैसे ही हम लोग को निकाला है वैसे हम लोग गुरुद्वारा में चले आए हैं। अच्छा, तो हाँ, तो फिर से खाना वाना खाए हैं, आराम कर रहे हैं, फिर यहाँ से ट्रेन पकड़ेंगे। हाँ फिर हाँ, जाएंगे सर। अच्छा, हाँ हाँ। और तो सर, तो वही है सर, उसके बाद जब हम लोग अंदर गए। हाँ हाँ, तो वहाँ पे सबको नेम वाइज मतलब नाम सबका लिया गया। हाँ, रोल नंबर का कोई मतलब नहीं। हेलो, जैसे हाँ, हम लोग का पहले 19 तारीख को हम लोग का फिजिकल था। हाँ हाँ, तो जैसे जैसे फिजिकल हुआ है, फर्स्ट सेकेंड है जैसे बच्चों का। हाँ हाँ, उसी के अनुसार से यहाँ भी लिया जा रहा है। हाँ, वो सभी जगह ऐसे रूल्स हैं, जो पीटी में हुआ है वैसे ही ले रहे हैं यहाँ पे। हाँ जी जी जी, तो वहाँ पे हम लोग का नाम लिया गया, मेरा तो 195 नंबर पे था। हाँ हाँ, उसके बाद अंदर हम लोग गए और उसके बाद पहले बार कोडिंग हुई। अच्छा, हाँ 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 हाँ, वेरिफिकेशन करवाने के बाद हम लोग बैठे हुए थे वहीं पे। हाँ, एडमिट कार्ड लेके, और कोई आधार कार्ड चेक नहीं हो रहा था, सिर्फ एडमिट कार्ड लेके वेरिफिकेशन कराओ। हाँ, सिग्नेचर करो और कार्ड के आधे रख लेते थे वो। हाँ हाँ, और उसके बाद हम लोग अपना ले लिए थे आधा उसमें का एडमिट कार्ड। अच्छा हाँ, वो डबल प्रिंट रहता है जो एक वो रख लेते जी। तब उसके बाद हम लोग बैठे हुए थे, फिर उसके बाद 10-20 लोगों का पहले बैच बनाया था। हाँ, तो उसके बाद 20 में से फिर 10 लोगों को ले जाता था पहले, एक मतलब बगल में वहाँ पे बैग रखवा के हाथ को धुलवा देता था। हाँ हाँ, धुलवाने के बाद लाइन लगा देता था। अच्छा हाँ, और वहाँ पे ऑफिसर जितने भी 3 स्टार वाले हैं बैठे हुए हैं 2 लोग। अच्छा हाँ, जहाँ मतलब मसाले रखे हुए हैं। हाँ, और दालें रखे हुए हैं और आटे रखे हुए हैं। हाँ ये सर सब मिक्सिंग, मैं बस यही कस्टमर मतलब बच्चों को बताना चाहता हूँ, भाई लोगों को। हाँ, कि वहाँ पे एक ऐसा क्या किया है कि ये नहीं कि मसाला और दाल और आटे अलग अलग, सब एक साथ, ऐसा नहीं है। हाँ हाँ, सब सर ऐसे डब्बे में ना सर, छोटे छोटे डब्बे में। हाँ, एक ही में मिक्स करके इसे रखे हुए हैं। डब्बे के ढक्कन खोले हैं कि बंद है? हाँ, ढक्कन खोले हुए, सब सब ढक्कन खुला हुआ है। हाँ, स्पष्ट सब दि
दिख रहा है, बस कंफ्यूजिंग थोड़ा सा आटे में हो रही है। अब मैं बताना चाहता हूँ कि क्या क्या रखा है वहाँ पे। हाँ हाँ बताइए। अब वहाँ पे आपको ये नहीं बता सकते कि वो फिर अगले दिन इधर उधर कर देंगे, हाँ। तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन हम इतना बताएंगे कि राइट साइड में जो है गेहूँ का आटा रखा था, हाँ। लेफ्ट साइड में लास्ट में कानपुरी आटा रखा हुआ था, अरारोट का एक पाउडर होता है सर, हाँ हाँ होता है, बीच में रखा हुआ था, हाँ। फिर एक मीठा सोडा जो होता है सर, हाँ। वो भी बीच में रखा हुआ था, हाँ हाँ। और उसके बाद उसी के बगल में दाल चीनी जो होती है लकड़ी वाली, अच्छा हाँ, वो भी रखी हुई थी, थोड़ा पुराना था, हाँ पहचानने में अच्छी, लेकिन पुराना था, पहचान जाएंगे बच्चे, हाँ हाँ। और वो सर बाजरा भी रखा हुआ था वहाँ पे, बाजरा भी, हाँ हाँ जी। आ सर वो ये होता है ना सोयाबीन की जो बीजे होती है, हाँ हाँ, वो भी हम सर सोयाबीन में ही गड़बड़ा गए। अच्छा सोयाबीन नहीं पहचान पाए आप जी? नहीं सर सुनिए तो सर, हाँ हाँ सर हमसे पूछा, हमसे जितना आटा था पहले आटा पूछ लिया, हाँ हाँ, फिर बोला दालचीनी बताया, हाँ। उसके बाद छोटी इलायची पूछ लिया, हाँ। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं उड़द की दाल काली वाली जो होती है वो पूछ लिया, हाँ। बता दिया, हाँ। लास्ट में वही पूछा, थोड़ा सा तेजी से वो पूछ रहा था, हाँ हाँ, फास्ट कंफ्यूज करने के लिए जल्दी, हाँ, तेजी से कर रहे थे तो थोड़ा सा हड़बड़ा गया हम सर, सर बोले कि सर थोड़ी सी घबराहट हो रही है प्लीज, हाँ। तो कह रहे इतना टाइम नहीं दे सकते, चलो उधर चलो, मतलब वो जब बोले कि ये क्या है, हाँ। हम सर बता रहे हैं थोड़ा सा घबराहट हो रही है, हाँ। तो उसके बोले उधर आपके सब चांस दीजिए हम बता रहे हैं आपको, हाँ। नहीं नहीं चलो उधर चलो, सर बताने नहीं दिए, फिर हमको उधर कर दिए, अच्छा ऐसा ही कर दिया, छह पूछे पांच बता दिए थे सर, और छठवा आपने बता नहीं पाए थे, क्या पूछा था छठवा? सर वो लेकिन वो कंफर्म है कि वो वही थी सर, क्या बोलते हैं सोयाबीन थी, बता देना था यार तुमको, चलिए ठीक है, आप क्या करें सर, बता तो दिए होते लेकिन बोले ना घबराहट हो गई, हाँ हाँ सर इतना प्रेशर हो जा रहा है ना सर जी, टेंशन ये है ना कि सर इतने बच्चों को बुलाया है प्लस एक से दो लड़कों को ले रहा है, हाँ ये टेंशन है सर। अब सर इतना ज्यादा फोर्स बनवा रहे, इतना ज्यादा कहिए मत, जितना ही आप बनाओगे उतना ही आपसे बनवाएंगे, हाँ हाँ। यहाँ वहाँ सर कोई टाइम की वैल्यू नहीं थी, टाइम की वैल्यू नहीं थी, हेलो सर, हाँ हाँ बोलिए सर, जो मतलब मसाले में जो पास हो रहे थे, हाँ हाँ, वो आराम से जाते थे, बोलते थे कि जाओ आप आटा सान के दो रोटी बनाओ, हाँ आटा सान के दो रोटियां बनाते थे, फिर उसके बाद दिखता था, फिर बोलता था ठीक है आप जाओ चावल बनाओ, अच्छा चावल बनवाता था, हाँ। फिर बोल देगा दाल बनाओ, दाल बनाना पड़ा, मतलब वो जितना ही आप बनाओगे, जितना ही आप अच्छे से बनाओगे उतना ही आपसे बनवाएगा, हाँ। अगर वो चार से पांच से रेसिपी बनवा लेता है, हाँ। अगर चार पांच रेसिपी आप बना देते हो, अगर छठवा में आपको बोलता है कि ये सही नहीं है, हाँ। तो शायद 99% की आप पास हो, हाँ, मिस्टेक नहीं, चार से पांच स्टेप पार किया है, हाँ हाँ, लेकिन चार से पांच स्पीड कोई जा ही नहीं पा रहा था। हमारे बैच में जो फर्स्ट बैच की एक लड़की थी, हाँ हाँ, वो लड़की से दो बार रोटी बनवाया, हाँ, फिर उसने दाल बनवाया, हाँ, फिर सब्जी बनवाई, हाँ, फिर उसके बाद सर वो दही बड़ा बनवाने के लिए बोला लास्ट में, लेकिन वो बना नहीं पाई सर, तो उसको तभी पास कर दिया, पास कर दिया जी सर। अच्छा लड़की एक ही थी कि और भी थी? छह लड़की टोटल थी, उनमें से हमारे बैच में सिर्फ तीन लड़की थी, तीन में से वही एक लड़की पास हुई, अच्छा हाँ, और सर ये दो लड़की फेल है और दो लड़के पास, टोटल अभी तीन हुए 200 में से, हाँ 200 बच्चों में तीन लड़के पास हुए थे सर, अच्छा हाँ, तो ये आज के डेट में मैं सर यही बताना चाह रहा हूँ, वहाँ टाइम की कोई वो नहीं था सर, और हाँ सर ये मैं कहूँगा कि अगर बच्चों के पास अभी टाइम है ना, तो अगर किसी चौराहे पे जाके जितना हो सके दाल और मसाले सर, हाँ हाँ, हाथ से टोके याद कर लिए, बिल्कुल वो बेटर रहेगा, नहीं मैं भी बोलता हूँ ये बात तो, कि आप देख रहे हो वीडियो अच्छी बात है, बट आपको स्पर्श करके देखना है थोड़ा, बिल्कुल जाके दुकान पे पंसारी के, अगर वीडियो में देखोगे ना तो सर याद आपको सही से हो नहीं पा रहा है सर, हाँ हाँ, याद हो भी जा रहा है, हाँ हाँ, कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि वहाँ बहुत तेजी से पूछ रहा है, हाँ वीडियो तो ऐसा रिवीजन के तौर पे है और आपको जो चीजें पता चल जाएगी सब चीज, लेकिन हम घबराए नहीं होते सर, बहुत तेजी से वो पूछ रहे थे, हाँ हम उनसे पूछे सर थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, तुरंत हटा दिया, बोला इतना टाइम नहीं दे पाएंगे,
तो आप कर क्या सकते हैं सर? आप जे है देखिए, जितना टाइम आपने बोला कि थोड़ा टाइम दे दीजिए, इतने में आप बता सकते थे, लेकिन जे है कि आप 100% श्योर नहीं थे वहाँ पे। मुझे याद था सर, सोयाबीन नहीं याद होगा, मैंने कई बार सोयाबीन, कल मैं लुधियाना में एक मार्केट में गया था तो वहाँ जितने भी दाने थे, मतलब दाले की दाल जितनी भी थी सब मैंने देखा था सब्जी, और क्या बोलते हैं जितने भी मसाले थे सब वीडियो भी बनाया था मैंने और याद भी किया था सर, सब कुछ मैंने देखा था, लेकिन वहाँ सर मैं घबराहट सी मुझे हो गई थी। यही तो है कि घबराना नहीं चाहिए। देखो घबराहट में क्या होता है, आप बहुत अपने अंदर मतलब कोशिश किया कि घबराऊंगा नहीं, बहुत सारा कोशिश किया था। हाँ। मुझे पता था मतलब रोज मैं कम से कम नहीं तो 30 तारीख से वीडियो देख रहा, 30 तारीख में और पहले से जिसे वहाँ पे हो रहा था, झांसी में हो रहा था, तब से ही देख रहा हूँ वीडियो। बिल्कुल, और मैं हर एक हाँ हाँ जी सर, 30 तारीख से भी वीडियो में आकर देख रहा हूँ कपूरथला का। हाँ, लेकिन रोज देखता हूँ, सब बताते ऐसे हो रहा ऐसे हो रहा ऐसे हो रहा, रोज फॉलो कर रहा था, सबसे ज्यादा मेहनत भी कर रहा था, घर पे भी मेहनत कर रहा था, लेकिन सर हम तो बस वहीं से चांस नहीं दिए तो फिर मेहनत बेकार रहे थे। अब यार तुम घबरा गए जी, घबराना ही तो सबसे बड़ी मिस्टेक से ना, इसमें क्या होता है माइंड के संतुलन बिगड़ जाता है, आप बोलना चाह रहे हो नहीं बोल पा रहे हो। मेन बात है ना उन लोगों को बस छांटना है, क्योंकि सर आप सोच सकते हो कि 200 में 3 लड़के जब पास में है तो आप सोच सकते हो कि वो 3 बच्चे किस तरह से किए होंगे। हाँ बिल्कुल, 101% को बच्चा होना चाहिए तब जाके वो क्वालिफाई कर पाएगा। जी जी सर, यही मतलब बच्चों से मैं यही कहूँगा कि मतलब घबराहट ना हो और कोशिश करें, अभी भी अगर टाइम हो 1 से 2 दिन की तो अपने गांव चौराहे पे जाके कोशिश करें, 100-200 लगेगा सर, अगर खरीद भी लेंगे थोड़ा थोड़ा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कम से कम उसे अनुभव तो कर लेंगे। हाँ ये चीज है, हाँ 4-4, 6-6 दाने खरीद लेंगे हर एक चीज के तो कुछ बड़ी बात नहीं, सही है, उससे कोई बड़ी बात, 100-200 अगर इतना पैसा खर्च करके इतना दूर हम आ रहे हैं, इतना दिन वेट किए, क्वालिफाई किए, तो सर 100-200 खर्च करने में क्या जाता है। सही बात है, मैंने भी वीडियो में बोला है कि आप लोग दुकान पे जाइए, किराना दुकान या पंसारी के यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा आपको। जी जी सर, तो बस यही मैं सभी बच्चों को कहना चाहता हूँ, बस और कुछ नहीं। अच्छा आपने बोला कि आपसे आटा चेक करवाया गया, आपसे मसाले के नाम भी पूछे गए थे क्या? जी सर, आपसे मसाला का नाम भी पूछा गया था क्या? हाँ मसाला का नाम। तो मसाले कौन कौन से थे जरा ये बताइए। जैसे 80 प्रकार के होते, लेकिन 80 प्रकार का नहीं था सर। हाँ। वहाँ जितने इम्पोर्टेंट मतलब जिसमें बनाने की यूज में आते हैं ना सर, हाँ हाँ, उतना रखा हुआ था। हाँ हाँ, ज्यादा एडवांस नहीं था, जैसे कि दालचीनी हुई, हाँ, पोस्ता हुआ, हाँ, काली मिर्च हुई, हाँ, छोटी इलायची हुई, हाँ, बड़ी इलायची हुई, हाँ, पिपली हुई, हाँ, और इसके बाद रतन जोत हुआ, हाँ, और उसके पोस्ता बताया सर, पोस्ता हाँ, हुआ, हाँ, और गरम मसाले में जैसे क्या बोलते हैं, ज्वाइन हुआ, हाँ, जीरा हुआ, तेज पत्ते वगैरह, और, हाँ, और क्या बोलते हैं ये क्या था, तेज पत्ता भी होगा सब, तेज पत्ता भी था सर। हाँ हाँ मालूम, जो वीडियो के अंदर की ही चीजें हैं, लेकिन आप लोग 100% श्योर नहीं होते इसलिए आपको घबराहट हो जाती है वहाँ पे। जी सर, और जानते हैं सर वहाँ दाले में आपको उड़द की दाल, हाँ, की दाल, हाँ, और अरहर की दाल, हाँ, चने की दाल, हाँ, जी सर, और उड़द की काली दाल जो होती है, हाँ हाँ होती है, एक तो बिना मतलब उसके छिलके का, हाँ हाँ, मैंने बताया है 3 प्रकार की दालें बताई, एक बिना धोले वाली काली और एक धुलने के बाद सफेद। हाँ मसूर की भी लाल होती है, सब चीज बताया। और सर ये राजमा भी था, राजमा भी है, हाँ, हमसे राजमा भी पूछे थे सर, हाँ, हमसे सर मानेंगे नहीं, हमसे 5 सेकंड में 5 तुरंत बताए, 5 सेकंड में 5 बता दिए थे सर, वो तुरंत माइंड काम करना चाहिए, बिल्कुल फास्ट जैसा बोला वैसा आंसर, क्वेश्चन आंसर टाइप का। जी सर, तो आप जानते हो इंटरव्यू में इतना तेज माइंड चलाना भी बहुत मुश्किल होता है। सही बात है, आपके पास नॉलेज है उसके बाद आप प्रेजेंट नहीं कर पा रहे तो फिर कोई मतलब नहीं। मैंने इसलिए बताया कि कौन कौन सामान क्या कहाँ पे रखा हो, इसलिए सब इसलिए बताया कि वो बच्चे अनुभव कर ले। वो तो डायरेक्ट कैचअप होना चाहिए, देखा और बस बता दिया, ये जान ले
आटा और बेसन हाँ, उसके बाद कानपुरी आटा हाँ, ये सब रखा हुआ है। अच्छा हाँ जी सर। अच्छा महेंद्र जी आप ये बताइए, आज के दिन क्या क्या मिस्टेक सबसे ज्यादा देखी गई जो बच्चे सिलेक्ट हो गए उस प्रोसेस तक? सर हमने आज से यही देखा कि सर सबसे ज्यादा रोटी बनवाया जा रहा था हाँ हाँ, और उसके बाद चावल बनवाया जा रहा था हाँ हाँ, और कुछ बच्चों से जो दो तीन स्टेप कर लिए थे उनसे सब्जी बनवाया जा रहा था। अच्छा और हाँ, दाल सर और दाल। अच्छा और एक लड़का सर शुरू में देखे हाँ हाँ, वो सलाद काट रहा था। अच्छा हाँ, तो उसको पहले छील लिया था चाकू से हाँ, तो टाइम काफी लगा दिया लेकिन थोड़ा सा ज्यादा छील लिया था। अच्छा हाँ, के लिए उसको तुरंत हटा दिया। हाँ हाँ, कुछ ज्यादा छील दिया होगा उसने हाँ, तो उसे हटा दिया गया। अच्छा महेंद्र जी जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं आपकी उनसे बात हुई है क्या? जी सर बात तो नहीं हो पाई क्योंकि वो एक लड़की थी और दो लड़के थे, तो वो दोनों लड़के जो है ना सर अंदर ही रह रहे हैं, हम लोग बाहर चले आए सर। अच्छा उनसे क्या मेनू बनवाए गए थे आपको याद है दो लड़कों से? हाँ सर मैं बता तो रहा हूँ, पहला जो लड़की थी, लड़की की मैं बात बता रहा हूँ, मैं शुरू से बैठ के वही देख रहा था क्योंकि मेरा 8वां बैच था। हाँ लड़की का तो आपने बताया था, लड़कों का? लड़की का 3रा बैच था हाँ हाँ। तो वो सर क्या है ना, पहले उसे सब्जी मसाला उनको मतलब पहचाना गया हाँ हाँ, फिर उसके बाद वो आई तो उनको बोला गया रोटी बनाओ हाँ, तो हम उनको देख रहे थे तो वो रोटी पहले फुल फेस बहुत अच्छा बनाई थी और फुलाई भी थी हाँ हाँ, तो उसके बाद फिर बोला, फिर आया ऑफिसर बोला कि आप फिर से रोटी बनाओ आटा गूंद के हाँ, हम देख रहे थे उसको कैसे गूंदी कैसे बनाई। अच्छा उसने कैसा गूंथा था जरा स्टेप और बता दीजिए जो बच्चे क्वालिफाई। वो 100 ग्राम आटे लिए हाँ हाँ, एक थाली में हाँ, थाली था कोई बड़ा नहीं था हाँ हाँ, उसके बाद वो सर पानी ली और वो एक हाथ पे सर 1 मिनट लगा होगा और हाली हाली मतलब जल्दी जल्दी करके हाँ, उसमें आटा गूंथ दिया हाँ, और उसके बाद जैसे टाइम की कोई वैल्यू नहीं थी लेकिन तो तेजी से की और उसके बाद उसे बढ़िया से मतलब माठा उसको बढ़िया से किया हाँ, करने के बाद वो बना रही थी। अच्छा हाँ, बना रही थी उसके बाद दो रोटी देखिए अच्छे से फुलाई हुई हाँ हाँ जी सर। और यही कहूंगा कि आटा जो सर अगर आप हेलो हाँ, पानी अपने हिसाब से डालना, पहले थोड़ा थोड़ा पानी डालना है। खैर वहाँ पे टाइम की बाउंडेशन नहीं है तो आराम से करें, जल्दी जल्दी में काम बिगाड़े ना। कोई बाउंडेशन नहीं है, बस यही है कि आप जितना ही वेस्ट करोगे उतना हाँ, ही आपको करवाएंगे, जितना ही आप वेस्ट करोगे उतना ही करवाएंगे, बस यही है। और हाँ, कुछ बच्चों को चाय भी बनवाया गया था सर। अच्छा चाय कौन सी वाली, नींबू की जी वाली? नहीं नहीं नींबू वाली चाय। अच्छा नींबू वाली चाय कैसे बनाते हैं बच्चे जरा बताइए, काट कर देता हूँ आपने। मैं बता रहा हूँ सर, देखिए सर पहले पानी सर 2 कप डाला गया, 2 कप पानी हाँ, उसके बाद उसे थोड़ा देर तक उबाला गया था हाँ, उबालने के बाद उसमें चाय पत्ती जो होती है आधी चम्मच हाँ हाँ डाली गई। अच्छा हाँ, फिर उसके बाद जैसे डाली गई तो उबला हुआ पानी ना थोड़ा रंग बदल जाता है सर हाँ हाँ, उसके बाद अदरक हाँ 1 चम्मच या 1 चम्मच से थोड़ा सा कम हाँ, अगर कोई अदरक से नहीं पी रहा है तो की बात कह रहे हैं, अदरक से नहीं पिएगा तो उसमें आप जीरा भी क्या बोलते हैं हाँ जीरा भी डाल सकते हो हल्का फुल्का। अच्छा हाँ, कुछ लोग जीरा का भी पी लेते हैं हाँ हाँ, नहीं जो सक्सेस हुआ हो जिसने बनाया हो जिसका उसका मेथड बताइए हाँ हाँ, अदरक सबसे बेस्ट है अदरक हाँ हाँ हाँ। तो अदरक डालने के बाद फिर सर आप थोड़ी देर कम से कम ज्यादा जल्दी 1 मिनट हाँ, फिर रंग बदल जाता है सर, फिर हाँ, उसके बाद आप चीनी डाल दो। अच्छा हाँ, ज्यादा ज्यादा आप सर 1 से 2 चम्मच। अच्छा हाँ, क्योंकि सर अगर आप दूध का बनाते हो तो 1 चम्मच हाँ, अगर दूध के नहीं बनाते हो तो 1 से 1.5 चम्मच हाँ हाँ, फिर उसके बाद उसे थोड़ा सा चलाने के बाद हाँ 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 बोलिए, तो तब उसके बाद आप ऊपर से जब जब बदक जाता है बढ़िया हाँ, से हाँ हाँ, तब हल्का सा नींबू डालना पड़ेगा क्योंकि अगर उतार के आप नींबू डालोगे ना तो चाय फट जाती है सर। अच्छा हाँ, तो चाय पत्ती अलग अलग हो जाता है सर हाँ हाँ, तो सर जब उसमें डालेंगे ना तो सब जब छानेंगे ना सर हाँ, तो जो फटी हुई होती है ना तो वो मतलब छल जाती है हाँ, और सर और चाय वेस्ट निकलती है। अच्छा जी किसने बनाई थी ऐसी मेथड से जो पास हुआ है वो बंदा? एक
नहीं, एक लड़का जो क्वालिफाइड हुआ था, हाँ हाँ, वो बंदा बनाया था, लेकिन वो चाय बनाया था, उसका चाय सिलेक्ट हुआ था। अच्छा, चाय सिलेक्ट हो गया था। उससे रोटी बनवाई गई सर। हाँ हाँ, थोड़ी सी रोटी, वो मोटी बना दी। अच्छा, मोटी बना दी रोटी। हाँ, उसके बाद उससे बोला भी जैसे था कि सर आपने रोटी मोटी थोड़ी बनाई है, फिर ऐसा करो आप चावल बनाओ। अच्छा हाँ, उसने चावल बनाया लेकिन पानी थोड़ा सा ज्यादा डाल दिया। अच्छा, एक्स्ट्रा हो गया पानी। हाँ, एक्स्ट्रा हो गया, इसकी वजह से थोड़ा सा गीलापन आ गया, इसके लिए वो क्वालिफाइड कर दिया। अच्छा, डिस्क्वालीफाइड कर दिया। अच्छा, तो महेंद्र जी, जो बच्चे जाने वाले हैं उनके लिए क्या एडवाइस देना चाहेंगे आप? बस सर यही देना चाहूंगा एडवाइस कि वो घबराए ना। हाँ हाँ, आप कोशिश करें कि आप अपने शहर में, हाँ हाँ, चौराहे पे जाके, हाँ हाँ, जितनी भी प्रकार की लगभग में दालें होती हैं, हाँ हाँ, और जितने प्रकार की लगभग में सर ये मसाले होते हैं, हाँ हाँ, वो कोशिश करें, हाँ हाँ, थोड़ा थोड़ा करके, हाँ हाँ, ले लिए। हाँ, क्या जे, हाँ हाँ, उसे लेके अपने घर बैठ के खूब बढ़िया से याद कर ले। हाँ हाँ, ये चीज है, ये चीज है, अगर वो सामने में मेरे सामने आएगा मैं तुरंत बता दूंगा। हाँ, जे एडवाइस तो मैं भी बच्चों को देना चाहूंगा कि आप वीडियो में जो देख रहे हैं वो सारा साक्षात देखें जाके दुकान पे। सर ये एडवाइस जो है ना सर, हाँ हाँ, ये सबसे वेस्ट है, भले से 100-200 खर्च हो रहा था लेकिन वेस्ट है। सही बात है, अभी तक आपने इतना खर्च किया और अब जाओगे हजारों से खर्च करोगे, इससे अच्छा 200 और कर लो। सही, और वो तो घर में भी यूज हो जाएगी, कुछ एक्स्ट्रा आ गया तो घर में यूज हो जाएगा, उससे क्या है। वही ना सर, अगर आप नहीं इसे मान लीजिए नहीं होगा, आप अपना रखे रहो, घर में यूज हो जाएगा सर। सही है। अरे सर, हम तो यही कहेंगे कि जो आपको नहीं याद हो रहा है वही ले लीजिए ना। हाँ, जो नहीं हो रहा है सिर्फ वो ले लो, जो है तो वो तो ठीक है, जो जानी वानी चीज है। मान लीजिए सर आपको कोस्ता याद है, दालचीनी याद है, बड़ी इलायची, छोटी इलायची याद है, तेजपत्ता याद है, धनिया याद है, हल्दी याद है, मिर्च याद है, ये सब का मिर्च याद है, आप ये देख के बता सकते हो, तो वो सब खरीदने की क्या हो सकता है। सही है, हाँ, सही है। जो हमें याद नहीं है वो हम खरीद लेना। हाँ हाँ, और सिर्फ जैसे हुआ चने की दाल हमें याद है, हाँ, की दाल याद है, हम चीन के बता देंगे। हाँ, और सर हमें ये चना याद है। अच्छा, और हरा मटर याद है। हाँ, हमें ये सर उड़द की दाल याद है। हाँ, और सर क्या बोलते हैं मशरूम की दाल याद है। हाँ, और हमें ये क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं सर, ये यहाँ पे गुरुद्वारा में खिला रहे हैं सर, वो राजमा। राजमा, हाँ हाँ, राजमा अगर याद है तो, नहीं तो वो भी ले लो। बिल्कुल, हाँ, तो सर ये सब जो याद है आपको वो मत लीजिए ना। और जो आपको नहीं याद आ रहा है, हाँ, एक पत्थर फूल होता है ना सर, कोई पत्थर फूल। हाँ, पत्थर फूल देखा है मैंने अपनी मसाले की वीडियो में, देखा है पत्थर का फूल। हाँ, सर मैंने देखा है आपके, देखा तभी हमें याद हुआ है। महेंद्र जी, आपकी बातों से लग रहा है A to Z मसाले और A to Z दालें हमारी उससे ही आ रही वीडियो से, सिर्फ एक चीज की कमी है क्या, बच्चा बिल्कुल का। ये तो सर सही है कि आपने जितने अभी वीडियो में डाला है, हाँ, वो 100% थी। हाँ हाँ, पूरे नहीं थी लेकिन उसमें से लगभग में सब थी। बिल्कुल, अब ये नहीं कह रहे कि पूरे थी लेकिन थी। हाँ हाँ, लेकिन उसी में से थी। अब जो सोयाबीन तो बहुत नॉर्मल सी बात है, वो आप कंफ्यूज हो गए, वो बात अलग है। नहीं तो सोयाबीन तो आपके यूपी में भी बहुत होता होगा सोयाबीन। जी सर, सोयाबीन तो इजी है जो कि सब बता देंगे। वो क्या, आप बहुत इजी चीज में निकल गए, नहीं तो आपने डिफिकल्ट चीजें सारी बता दी। जी जी, नहीं तो मैं सर घर पे बहुत रोटी बनाई थी, सब्जी बनाई थी, यहाँ तक कि मीट भी बनाने की कोशिश की थी, मछली भी बनाई थी, ऑमलेट भी बनाया था, रोज मैं सुबह शाम बनाता था सर, दोपहर में भी बनाता था, लेकिन सर वहाँ तक जाने का हमें मौका ही नहीं था क्योंकि हम स्टार्टेज में ही छूट गए। वो तो ऐसा है, जिसके याद है ना तो तस्वीर माइंड में आई और नाम आ जाए, ऐसा याद करना है सबको जो भी सुन रहा है इस वीडियो को। आपसे बस यही कहेंगे कि बच्चों को यही कहिए कि आप बहुत कोशिश करिए 100-200 खर्च करके, आप अपने खरीद के उसे अपने खुद अनुभव करके याद कर लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, आप वहाँ जाइए तो जितना जल्दी पूछ रहे हैं तो जल्दी मत बताइए, सोच के। हाँ, ये चीज है। और दालें भी आपको पता ना हो कि कौन कौन सी लेना है तो इसके लिए वीडियो देख लें, उसमें जो जो दालें हैं वो देख लें वहाँ पे जाके टेस्ट करके। जी सर, जी सर, वीडियो में भी देख लें और वो अपना खरीद भी सकते हैं। हाँ, जाके याद कर लें सर। चलिए, और सर ये गुरुद्वारा बहुत ही अच्छा है, हम तो कहेंगे यहाँ पे हर एक फैसिलिटी फ्री। हाँ हाँ, अच्छा, हाँ हाँ, आपका सामान यहाँ पे पंखा लगा हुआ है सर,
बिस्तरा मिल रहा है अच्छा सोने के लिए एकदम मस्त, आपको सुबह में जगा देंगे, चाय मिलता है सुबह में, फैन मिलता है सुबह में यहाँ पे सर, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है सर। जी तो बहुत ही मस्त व्यवस्था है, ऐसी कहीं पे नहीं, बहुत परेशान होते हैं बच्चों, हजारों पैसे खर्च करते हैं। यहाँ आ जाए तो 1 रुपया बच्चों का खर्च नहीं होगा सर, आराम से यहाँ पे रह लेंगे। हाँ हाँ, और अच्छी नंबर वन की फैसिलिटी। नहीं नहीं जो डिस्क्वालीफाइड होता है वो क्वालिफाइड से ज्यादा इन्फॉर्मेशन देता है, क्योंकि उसके अंदर वो कमियां पता चल जाती है ना कि क्या मिस्टेक्स की मैंने। जी सर, लेकिन हमें टेंशन नहीं है क्योंकि हमें आगे देखने NTPC है। हाँ तो चलिए, टेंशन नाम की कोई चीज नहीं, आपके लिए इससे कुछ बड़ा होगा, ये सोच के आप आगे बढ़िए, ठीक है। चलिए, और इसके लिए हमने साइंस की टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दी, आप ज्वाइन कर सकते हैं अपने चैनल पे। चलिए, थैंक यू वेरी मच महेंद्र जी। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी थे महेंद्र कुमार जी जो कि गोरखपुर यूपी से बिलोंग करते हैं, इन्होंने अपना अनुभव पूरा बताया। हालांकि इनका टेस्ट क्वालिफाई नहीं हुआ, बट भाई ने जितनी इन्फॉर्मेशन हो सकती थी उनके लेवल की उन्होंने पूरी बताई हमको बिल्कुल अच्छे से, और आवाज़ की तो कोई मिस्टेक्स ही नहीं थी, बिल्कुल क्लियर आवाज़ आ रही थी, क्लियर साउंड आ रही थी, आप लोगों को अच्छे से सुनाई दी होगी, इसलिए मुझे किसी भी बात को रिपीट करने की कोई आवश्यकता नहीं। यदि फिर भी आपका कोई सवाल कमेंट्स हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में अवश्य छोड़ें, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा और आने वाले पर्सन से पूछ भी लूंगा। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। ओके, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।